हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपकी जो भी पुरानी जो साड़ियां होती हैं, जो आप अब पहनते नहीं हैं या आपकी फेवरेट होती हैं बट आप उनको पहन नहीं पाते क्योंकि काफ़ी बार पहन चुके हैं, तो और दोबारा से उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, जो हमारी जो ओल्ड साड़ियाँ होती हैं उनको मल्टीपर्पज़ तरीके से उनका रीयूज कर सकते हैं, हम उसमें से काफ़ी चीज़ें बनवा सकते हैं। मैंने एक अपनी मेरी येलो जर्जट की साड़ी थी, उसका भी मैंने रीयूज किया है और उसे इस फेस्टिव सीजन के लिए आप एक अच्छी सी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी येलो कलर की साड़ी थी और इसमें से मैंने ये अनारकली फ्रॉक सूट ये मैंने सिलवाया है और इसका जो बॉर्डर था वो ये पिंक कलर का था और ये बैक से ये इसमें आप इस तरीके से डोरी लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी एक साड़ी थी और उसमें ऐसे ये फ्लावर थे, ये पूरे ऑल ओवर इसमें बने हुए थे और ये पिंक कलर का इसका बॉर्डर था जो कि मैंने इस अनारकली के फुल नीचे इसके घेर में ये लगवाया है मैंने इस तरीके से। और गले को आप इस तरीके से पिंक कलर का, अगर आपका बॉर्डर तो जिस कलर का बॉर्डर है उसी कलर की आप पाइपिंग लगवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अस्तर है वो इस तरह का शाइनिंग वाला, ये शाइनिंग वाला आप लगवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉटन वाला जो होता है वो जॉर्जेट के कपड़े में से जो है साइन नहीं मारता और अच्छा नहीं लगता, और इससे देखिए एक अंदर अलग ही साइन आती है, तो आपको ये वाला अस्तर लगवाना चाहिए। और ये जो जो ये स्लीव्स हैं इसकी, ये मैंने 3/4 रखी हैं और स्लीव्स में अस्तर नहीं लगवाया है और पतला सा इसका बॉर्डर साड़ी का, इसकी बहुत मोटा वाला बॉर्डर नहीं, पतला सा बॉर्डर इसकी बाजू में भी लगवाया है। बैक से ये डोरी लगवाई है अस्तर में इसके बॉर्डर में से ही, और ये काफ़ी बहुत घेर है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी जो आपकी फेवरेट साड़ी है और जिसको आप पहनते नहीं हैं तो उसमें से आप अपना गाउन या इस तरह का अनारकली सूट सिलवा सकते हैं। गाइज, आप जितना चाहें उतना घेरा आप करवा सकते हैं इसका। और ये मैंने पूरी साड़ी में से इसका निकलवाया। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। तो गाइज, ये देखिए मैंने अपना ये सूट पहन लिया है, बैक से ये इस टाइप का, और ये मैंने इसके साथ ये दुपट्टा कैरी किया है। और ये एक पूरा आपका जैसे लहंगे का घेर होता है उसकी तरह इसका ये घेर है, ये स्लीव्स है। इस तरीके से आप अपना साड़ी में से सूट रेडी करा सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया और मैं आगे भी ट्राई करूँगी कि मैं किसी अपनी साड़ी है उसमें से कुछ न्यू ड्रेस रेडी कराने की। गाइस, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये किस तरीके का लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।